हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा स्टडी विद फार्मिंग ब्लॉग पर। आज के वीडियो में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करके बताऊंगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम योगासन क्रिया है जिसके नियमित अभ्यास करने से आपका मन शुद्ध होता है, और मन शुद्धिकरण के साथ साथ जो भी आपके मन में नेगेटिविटी के विचार होते हैं उन विचारों से राहत मिलती है। जितने भी अंदर आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं उनका आना बंद हो जाता है और मन रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें रिलैक्स होता है और वो सही से काम करने लगता है। आपकी नसों में जो रक्त प्रवाह होता है वो भी अच्छी तरह से होने लगता है, और नसों में रक्त शोधन का कार्य करता है जिससे कि आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। और जब रक्त शुद्ध होता है तो आपको सभी प्रकार के चर्म रोगों से राहत मिलती है। और नाड़ी शोधन के प्राणायाम नियमित प्राणायाम करने से आपको एक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। डिप्रेशन और सभी प्रकार के जितने भी मानसिक रोग होते हैं उनसे राहत मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम वैसे हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको करते हुए कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे कि जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप हद से ज़्यादा, जितनी आपके शरीर की या फेफड़ों की क्षमता है उससे ज़्यादा आपको सांस को अंदर नहीं लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और शुरुआत में आपको धीरे से यानी कि मध्यम गति से शुरू करना है। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की क्रिया। सबसे पहले हम किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन लगा के बैठते हैं तो भी सही है, आप या सीधे किसी भी मुद्रा कुर्सी में बैठ जाएं, आप नीचे बैठ जाएं, जो भी आप चाहें, सिर्फ खड़े होकर नहीं करना है। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, उसके बाद आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से रख लेंगे, अपनी अंगूठे और उंगलियों को इस तरह से टच करके नीचे रख लेंगे, और अपने दाएं हाथ से दो उंगलियों को फोल्ड करेंगे और दो उंगलियों से एक उंगली से अपने अंगूठे से अपने दाएं नाभि का छिद्र को और उंगलियों से बाएं नाभि का छिद्र को बंद करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप एक नाभि छिद्र से सांस लेंगे तो उसी नाभि छिद्र से सांस को छोड़ेंगे। इसमें अनुलोम विलोम की तरह नहीं करना है कि आप पहले एक नाभि छिद्र से सांस लेंगे तो दूसरे से छोड़ेंगे। इसमें यह सबसे ध्यान रखने योग्य बात है। और आप जब सांस अंदर लेंगे उसके बाद आप सांस को शरीर में रोक कर रखेंगे और फिर कुछ टाइम बाद छोड़ेंगे। तो आइए अब मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप अंगूठे से अपने दाएं नाभि छिद्र को बंद कर लेंगे, और आपको एक ध्यान और रखना है कि जब भी आप शुरुआत करें तो अपने बाएं नाभि छिद्र से सांस लेने से करें, और इन दो उंगलियों को या आप यहाँ रख सकते हैं या इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रखता हूँ और आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन बाएं नाभि छिद्र से सांस को अंदर लेंगे। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो इसे पूरक कहते हैं, पूरक कुंभ और पूरक बंद, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसे रेचक, और जब आप सांस को अंदर रोक के रखते हैं तो उसे कुंभक बंद कहते हैं। सबसे पहले पूरक बंद से शुरुआत करेंगे। ऐसा आप 3 से 4 बार दाएं नाभि छिद्र से करेंगे, ऐसा ही बाएं नाभि छिद्र से करेंगे। अगर आप यह क्रिया लगातार करते रहते हैं तो आपका मन शुद्ध होगा, सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से राहत मिलेगी, और आपका रक्त शोधन होगा यानी कि रक्त शुद्धिकरण होगा। यह सभी इससे होने वाले लाभ हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।